माननीय कुलपति महोदय, हमारे साथ आभासी यानी ऑनलाइन मोड में जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत एवं आभार सर। इसी कड़ी में हम स्वागत करना चाहेंगे कुलसचिव महोदय प्रोफेसर सुनील कुमार जी का, आदरणीय प्रोफेसर सुनीता श्रीवास्तव मैम जी का, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए गठित कमेटी के सभी मेंबर्स का, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के सभी मेंबर्स का, यहाँ उपस्थित पूरे टीचिंग एवं नॉन टीचिंग स्टाफ का, हमारे विद्यार्थियों का एवं विशेषकर हमारे कुलपति महोदय की सबको साथ लेकर चलने की नीति के अंतर्गत आसपास के गांव से आए हुए सभी बच्चों का, युवाओं का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि योग भारत की एक समृद्ध विरासत है, हमारे बहुत गौरव का विषय है कि आज का दिन विश्व भर में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग जीवन को सुख शांति एवं आत्मिक प्रसन्नता प्रदान करने का सबसे सरल रास्ता है। संपूर्ण विश्व में योग आज एक आंदोलन का रूप लेते हुए जीवन के एक अभिन्न अंग के रूप में बनने को अग्रसर है। योग के इसी महत्व और विश्वव्यापी लोकप्रियता की एक परिणति है केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा में आज का योग महोत्सव, जिसमें आप सभी का बहुत स्वागत है। आयुष मंत्रालय की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय योगा फॉर ह्यूमैनिटी अर्थात मानवता के लिए योग रखा गया। इस विषय का महत्व है कि कैसे COVID-19 महामारी के चरम के दौरान योग ने पीड़ा को कम करने में मानवता की सेवा की, साथ ही कोविड के बाद उभरते हुए भू राजनीतिक परिदृश्य में भी दया के माध्यम से लोगों को एक साथ लाने, एकता की भावना को बढ़ाने और दुनिया भर में लोगों के जीवन में आसानी लाने में मददगार शामिल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा की तरफ से बधाइयां एवं शुभकामनाएं कि आने वाले पूरे साल में आप एवं आपका परिवार पूरी तरीके से स्वस्थ रहे। कार्यक्रम में अब अगले पड़ाव का वक्त है और निर्धारित कॉमन योगा प्रोटोकॉल को हम करने जा रहे हैं। अभी यह महत्वपूर्ण गतिविधि हमारे योग विभाग के छात्र मिस्टर नीरज, मिस्टर सुवीर एवं मिस नीति द्वारा संपन्न करवाई जाएगी, जिसका मार्गदर्शन डॉक्टर अजयपाल जी असिस्टेंट प्रोफेसर योग विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो चलिए योगा प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हम प्रारंभ करते हैं आज का कॉमन योगा प्रोटोकॉल। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सभी कमर सीधी करके बैठेंगे, कमर गर्दन एक सीध में, सहजता के साथ आंखें बंद, दोनों हाथ घुटनों पे, हाथ की पहली उंगली अंगूठे के टिप से मिली हुई, और धीरे से अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। इस अष्टम योग दिवस का प्रारंभ हम प्रार्थना के साथ में करेंगे, संगठन मंत्र के साथ में करेंगे। मेरे पीछे पीछे प्रार्थना को दोहराएंगे। ओम संगच्छध्वम्, संवदध्वम्, संवो मनां सिजानताम्, देवाभागम् यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने दोनों हाथों को नीचे करें, आंखें बंद रखें, प्रार्थना के पर अपने संपूर्ण शरीर में महसूस करें और मंत्र के अर्थ को अपने भीतर आत्मसात करें। हे परमात्मा, हे ईश्वर, हम सभी एक साथ मिलके चलें,
एक साथ मिलके बात करें, बोलें, एक साथ मिलके व्यवहार करें। संगठन प्रार्थना ईश्वर से, और उसके बाद में धीरे से पलक झपकाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। प्रोटोकॉल के अगले चरण में हम प्रवेश करेंगे, धीरे से अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ग्रीवा संचालन, अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे, अपने दोनों हाथों से अपने कमर पे दोनों हाथों को लगाएंगे। ग्रीवा संचालन का पहला अभ्यास, पहली क्रिया, धीरे से श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे। श्वास खाली करते हुए धीरे से अपनी गर्दन को नीचे लेके आएंगे। एक बार दोबारा दोहराएंगे इसी क्रिया को। धीरे से श्वास भरते हुए अपनी गर्दन ऊपर, खाली करते हुए धीरे से अपनी गर्दन को नीचे लेके आएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन बीच में आएगी। इसी क्रिया का दूसरा वेरिएशन, धीरे से अपनी गर्दन को दाईं तरफ घुमाएंगे, दाईं कंधे के ऊपर से देखने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास खाली करते हुए धीरे से अपनी गर्दन को बाईं तरफ घुमाएंगे, बाईं कंधे के ऊपर से देखने का प्रयास करेंगे पीछे की ओर। धीरे से मध्य में एक बार पुनः इसी अभ्यास को दोहराएंगे, दाईं तरफ गर्दन को घुमाएंगे, दाईं कंधे के ऊपर से देखेंगे। श्वास भरते हुए धीरे से बीच में आएंगे, श्वास खाली करते हुए अपनी गर्दन को बाईं तरफ घुमाएंगे, बाईं कंधे के ऊपर से देखेंगे। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, इसी क्रिया का तीसरा वेरिएशन, धीरे से अपनी गर्दन को दाईं तरफ लेके जाएंगे। अपने कान को अपने दाएं कंधे पे लगाने का प्रयास करें। धीरे से श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास खाली करते हुए अपनी गर्दन को बाईं तरफ लेके जाएंगे, बाएं कान को अपने बाएं कंधे के पास लगाने का प्रयास करेंगे। यथासंभव, यथा सामर्थ्य, जितना आप अभ्यास कर सकते हैं। श्वास भरते हुए दोबारा से बीच में आएंगे एक बार और, धीरे से अपनी गर्दन को दाईं तरफ, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास खाली करते हुए अपनी गर्दन को बाईं तरफ, श्वास भरते हुए धीरे से बीच में आएंगे। अधिक उम्र के लोगों और सर्वाइकल स्पाइनलिटिस तथा उच्च रक्तचाप की व्याधि से ग्रसित व्यक्ति इस अभ्यास से बचना चाहिए। अगला अभ्यास नेक रोटेशन का। अब धीरे से अपनी गर्दन को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना शुरू करेंगे। नीचे से धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर गर्दन जाएगी, श्वास खाली करते हुए धीरे से नीचे। दो सर्कल पूरा करेंगे, दो राउंड पूरा करेंगे, और दो राउंड होने के बाद में फिर घड़ी की विपरीत दिशा में हम अपनी गर्दन को धीरे धीरे घुमाना शुरू करेंगे। इसमें भी दो राउंड पूरे करेंगे, और दो राउंड होने के बाद में धीरे से दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे, आंखें बंद करेंगे, 10 से 15 सेकंड के लिए रिलैक्स करें। आपकी गर्दन की मांसपेशियों में जो जो सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, जो जो सकारात्मक बदलाव आए हैं, उनको महसूस करें कुछ समय। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। स्कंद संचालन की प्रक्रिया, दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को शरीर के बराबर से श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, और दोनों हाथों को सिर के ऊपर श्वास भरते हुए लेके जाएंगे। अपने दोनों हाथों में दोनों कंधों के जितनी दूरी, हथेलियां बाहर की तरफ, और कुछ समय इसी अभ्यास में रुकेंगे। प्रयास करें आंख बंद करके ये अभ्यास कर पाए, और उसके बाद में धीरे से जैसे गए थे वैसे ही वापिस आएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, धीरे से स्थिति में। स्कंध की दूसरी क्रिया, दूसरा वेरिएशन, धीरे से अपने दोनों हाथों को शरीर के बराबर से एक बार दोबारा ऊपर उठाएंगे। जब दोनों हाथ कंधे के बराबर आ जाएं, तो हथेली आसमान की तरफ करेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को अपने दोनों कंधों पे धीरे से लेके आएंगे, दोनों हाथों की उंगलियां कंधों पे, और अभी यहां से रोटेशन करना शुरू करेंगे। जब हाथ आगे आएंगे तो दोनों कोहनियां मिली हुई, ऊपर जाते हुए श्वास भरेंगे, नीचे जाते हुए श्वास खाली करेंगे, दो राउंड पूरा करेंगे। इस क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां और स्कंद क्षेत्र की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं,
यह योगाभ्यास गर्दन की रीढ़ की हड्डी की अपकर्षक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को दूर करता है और स्कंद संचालन में आने वाली रुकावटों से छुटकारा दिलाता है। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाए। एक बार दो बार इसी अभ्यास को वापिस दोहराएंगे। काउंटर पोस्चर इसका सर्किल बनाते हुए और धीरे से फिर विराम, रिलीज एंड रिलैक्स, रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास की तरफ हम बढ़ेंगे। कटी प्रदेश के लिए अभ्यास करेंगे। धीरे से दोनों पैरों में हल्की सी दूरी देंगे, दोनों हाथों को शरीर के सामने स्ट्रेच करेंगे। अब धीरे से श्वास खाली करते हुए अपने शरीर को दाईं तरफ ट्विस्ट करेंगे। अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ जाएंगे। आपका बाएं हाथ की हथेली आपके दाएं कंधे पे आएगी और पीछे की तरफ यथासंभव जितना आप मुड़ सकते हैं उतना मुड़ने का प्रयास करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। और उसके बाद में धीरे से श्वास भरते हुए बीच में आएंगे। श्वास खाली करते हुए अपने शरीर को आप बाईं तरफ मोड़ेंगे, दोनों हाथ पीछे की तरफ, आपका बायां हाथ की हथेली आपके दाएं हाथ के कंधे पर। कुछ समय सामान्य श्वासों की गति के साथ में इस अभ्यास में रुकेंगे। हृदय रोगियों को यह अभ्यास सावधानी पूर्वक करना चाहिए। धीरे से वापिस आएंगे, रिलीज एंड रिलैक्स। धीरे से रिलीज करेंगे दोनों हाथों को। कुछ समय के लिए आंखें बंद करें, अभ्यास के प्रभाव को महसूस करें अपने कटी प्रदेश में, अपने कमर के हिस्से में सकारात्मक परिवर्तन को। अब अगले अभ्यास की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। घुटनों के लिए क्रिया। धीरे से अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, अपने दोनों हाथों को शरीर के आगे स्ट्रेच करेंगे, आपकी दोनों हथेलियां जमीन की तरफ। श्वास खाली करते हुए धीरे से चेयर पोजीशन में आएंगे, चेयर स्थिति में यथासंभव जितना आप कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करें। एक बार दोबारा से श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। दूसरा और अंतिम इसका राउंड हम करेंगे। धीरे से श्वास खाली करते हुए नीचे चेयर स्थिति में। घुटनों और कूल्हों के जोड़ों को सुदृढ़ बनाता है यह अभ्यास। अर्थराइटिस का गंभीर दर्द होने पर इसे नहीं करना। धीरे से ऊपर आएंगे, रिलीज करें और रिलैक्स करें दोनों हाथ शरीर के बराबर में। थोड़ा आंख बंद करके कुछ समय के लिए रिलैक्स करें, अभ्यास के सकारात्मक परिवर्तन करें। अब हम योगासन के अभ्यास शुरू करेंगे। योगासन की श्रेणी में सबसे पहला अभ्यास हम ताड़ासन करेंगे। अपने दोनों हाथों को शरीर के बराबर से सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, अपने सिर के ऊपर लेके जाएंगे, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में इंटरलॉक कर रहे हैं। उसके बाद में दोनों हाथों की हथेलियों को आसमान की तरफ करेंगे। अभी श्वास भरते हुए धीरे से जमीन से अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएंगे और ताड़ आसन के अंतिम स्थिति में सामान्य श्वास के साथ यहाँ पे रुकेंगे। इस आसन के अभ्यास से शरीर सुदृढ़ होता है। धीरे से दोनों हाथों को शरीर के बराबर से लाते हुए नीचे लेके आएंगे, रिलीज और रिलैक्स। आंखें बंद करें समय के लिए। आपके शरीर में जो एक रेखीय प्रभाव आया है, आंखें बंद करके उस अवेयरनेस को, उस जागरूकता को, उस लीनियर अवेयरनेस को फील करें, उसको महसूस करें। यह आसन एक निश्चित उम्र तक लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। अगले अभ्यास की तरफ हम बढ़ेंगे। वृक्ष आसन, ट्री पोज, ट्री पोस्चर। अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, अपने दाएं पैर को धीरे से ऊपर उठाएंगे, अपने बाएं पैर की जंघा के मूल में रखेंगे। उसके बाद में सांस भरते हुए धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर जोड़ लेंगे, यथासंभव यथासामर्थ्य। यदि आप ऊपर पैर नहीं रख सकते तो नीचे। और कुछ समय के लिए इस अभ्यास में रुकेंगे, एक बिंदु पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। यह आसन तंत्रिका से संबंधित स्नायुओं के समन्वय को बेहतर बनाता है। धीरे से जैसे गए थे वैसे ही धीरे धीरे वापिस आएंगे, अपने पैर को रिलीज करेंगे और इसी अभ्यास का अब हम काउंटर पोज करेंगे। अब हम बाएं पैर से इसी अभ्यास को शुरू करेंगे। बाएं पैर को धीरे से ऊपर उठाएं, दाएं पैर की जंघा के मूल में रखें, श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर नमस्कार मुद्रा में जोड़ें, आपकी दोनों बाइसेप्स आपके कानों से सटी हुई। और कुछ समय के लिए इसी अभ्यास में ठहरेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, सामान्य श्वसन के साथ। धीरे से वापिस आएंगे जैसे गए थे वैसे ही वापिस। धीरे से अपने दोनों हाथ नीचे, अपने पैर को धीरे से नीचे लेके आएंगे। आंख बंद करके कुछ समय अपने मन की एकाग्रता को महसूस करें।
यहीं से हम अगले अभ्यास की तरफ प्रवेश करेंगे। अगला अभ्यास पादहस्तासन, धीरे से अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए धीरे से शरीर के बराबर से ऊपर उठाएंगे। जब कंधे के बराबर आ जाए, हथेली आसमान की तरफ, सिर के ऊपर लेके जाएंगे और अभी श्वास खाली करते हुए कमर के निचले हिस्से से झुकते हुए अपने दोनों हाथों को पैरों के बराबर लेके जाने का प्रयास करेंगे। यथा सामर्थ्य आपको अभ्यास करना है, कुछ समय के लिए रुकेंगे। मेरुदंड को लचीला बनाता है यह अभ्यास, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेके जाएंगे और जैसे गए थे वैसे ही दोनों हाथों को शरीर के बराबर से वापस, जब कंधे के बराबर हाथ आए, हथेलियां जमीन की तरफ, धीरे से नीचे, आंख बंद करके कुछ समय अभ्यास के प्रभाव का, सकारात्मक परिवर्तन का विशेष तौर पर कमर के निचले हिस्से में महसूस करें। और इसी के साथ अगले अभ्यास की तरफ हम बढ़ेंगे, अर्धचक्र आसन। एक बार दोबारा से अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, अपने दोनों हाथों की हथेलियों से अपने कमर के निचले हिस्से पे सपोर्ट देंगे, श्वास भरते हुए धीरे से अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को पीछे की तरफ झुकाएंगे और कुछ समय इस अभ्यास में रुकेंगे। आंखें खुली रखें, यथा सामर्थ्य अभ्यास करें। धीरे से वापिस आएंगे, रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे, कुछ समय आंखें बंद करके अभ्यास के प्रभाव को महसूस करें। कमर के निचले हिस्से में ग्रीवा की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है तथा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में यह लाभकारी अभ्यास है। इसी के साथ हम अगले चरण में प्रवेश करेंगे, अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे, त्रिकोण आसन। अपने दोनों पैरों को एक से लेकर 1.5 फीट तक की दूरी को लेके जाएंगे। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, धीरे से अपने दाएं पैर को दाएं तरफ ट्विस्ट करेंगे। अब श्वास खाली करते हुए दाएं हाथ को अपने पैर से स्लाइड करते हुए धीरे से दाएं तरफ झुकेंगे, आगे डेमोंस्ट्रेशन देख पाएंगे। और धीरे से अपने ऊपर वाले हाथ की मिडिल फिंगर की तरफ देखने का प्रयास करेंगे, कुछ समय रुकेंगे। पैर के तलवों संबंधी विसंगतियों से बचाता है यह अभ्यास। धीरे से श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, अभी इसी का हम काउंटर पोस्चर करेंगे। यहीं से सांस खाली करते हुए अब बाईं तरफ, बाईं पैर को बाईं तरफ ट्विस्ट करें, बाएं हाथ को बाएं पैर से स्लाइड करते हुए जमीन पर ले जाने का प्रयास करें। सामर्थ्य अनुसार आपको अभ्यास करना है, ऊपर वाले हाथ की मिडिल फिंगर की तरफ देखें, कुछ समय रुकें। अभ्यास करते समय यदि आप जमीन को न छू सके तो घुटनों को छूने का प्रयास करें। धीरे से सांस भरते हुए वापिस आए, धीरे से रिलीज और रिलैक्स, कुछ समय के लिए आंखें बंद करें। त्रिकोण आसन के अभ्यास का, ट्रायंगल पोस्चर प्रैक्टिस को, जो परिवर्तन आया है इस अभ्यास के माध्यम से, उसको महसूस करें बंद आंखों से, मन की आंखों से। बैठ कर किए जाने वाले अभ्यासों के लिए अपने स्थान पर बैठ जाएं। धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपने मैट पे। प्रोटोकॉल के अगले चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं, बैठकर करने वाले अभ्यास। अपने दोनों पैरों को धीरे से अनफोल्ड कर लें, अपने दोनों हाथ आपके हिप्स के साइड में, आपकी कमर सीधी, दंडासन की स्थिति। दंडासन की स्थिति में आएंगे और इसके बाद में हम अगले अभ्यास में प्रवेश करेंगे, भद्रासन। धीरे से अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए अपने दाएं पैर की एड़ी को अपने मूल अंगों के पास लेके आए, बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं पैर के तलवों को अपने दाएं पैर के साथ मिलाएं। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने दोनों पैरों के पंजों को पकड़ें आपस में, कमर सीधी रखें, कुछ समय आंखें बंद करके इस अभ्यास में रुकें। भद्रासन का यह अभ्यास शरीर को दृढ़ रखता है एवं मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करता है। धीरे से अनफोल्ड करेंगे, जैसे गए थे वैसे ही वापिस, धीरे से अपने बाएं पैर को रिलीज करें, अपने दाएं पैर को रिलीज करें और दोबारा से दंडासन की स्थिति में आए। इसके बाद में अगले अभ्यास में हम प्रवेश करते हैं, वज्र आसन। एक बार दोबारा से अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़ें, अपने दाएं पैर को अपने नितंब के नीचे, दाएं नितंब के नीचे, बाएं पैर को घुटने से मोड़ें, बाएं नितंब के नीचे, अपने दोनों हाथों को, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी जगहों पर रखें, कमर सीधी करके आंख बंद करके कुछ समय इस अभ्यास में ठहरें, रुकें। इस आसन से पाचन शक्ति में बढ़ाने में सहायता मिलती है, यह मेरुदंड को सुदृढ़ता प्रदान करता है। यहीं से हम
अगले अभ्यास में हम प्रवेश करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। अब धीरे से अपने दोनों घुटनों पे खड़े हो जाएंगे, यहां से अपने दोनों हाथों की हथेलियों से अपने कमर के निचले हिस्से पे सपोर्ट लेंगे। धीरे से श्वास भरते हुए ध्यान रखें, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप अभ्यास करें। श्वास भरते हुए धीरे से अपने कमर का ऊपर वाला हिस्सा धीरे से पीछे की तरफ करेंगे और कुछ समय ठहरेंगे, कुछ समय रुकेंगे। इस योगाभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कब्ज एवं पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। धीरे से वापिस आएंगे वज्रासन में, बिल्कुल धीरे धीरे वापस से वज्रासन में बैठ जाएंगे। यहां से हम अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे उष्ट्रासन। इसका अर्ध उष्ट्रासन का एडवांस पोस्चर, धीरे से दोबारा से अपने घुटनों पे खड़े होंगे। कृपया ध्यान दें, सामर्थ्य के अनुसार आप अभ्यास करें, यदि पूर्ण ना कर पाए तो आप जबरदस्ती ना करें। धीरे से अपने दाएं हाथ को ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर उठाते हुए अपने दाएं पैर के तलवे पे रखेंगे, अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए अपने बाएं हाथ की हथेली को अपने बाएं पैर के तलवे पे रखेंगे। रखने का प्रयास करें, नहीं तो जहां तक आप कर सकते हैं उतना करें। कुछ समय इस अभ्यास में ठहरे। यह पीठ और गले के दर्द में आराम दिलाता है, पाचन क्रिया संबंधी समस्याओं के लिए अत्यंत लाभदायक है। धीरे से जैसे गए थे वैसे ही वापिस आएंगे। एक एक हाथ को दोबारा से अपनी जगह पे रखें और फिर धीरे से वज्रासन में बैठ सकें। यहां से हम अगले अभ्यास में प्रवेश करेंगे शशांक आसन। धीरे से अपने दोनों घुटनों में हल्की सी दूरी दें, धीरे से अपने शरीर के बराबर से श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके आएंगे, सिर के ऊपर उठाएंगे। अब श्वास खाली करते हुए अपने दोनों हाथों को जमीन पे स्लाइड करते हुए आगे की तरफ करेंगे। आपकी ठोड़ी जमीन पे लग जाएगी और कुछ समय तक शशांक आसन में विराम करें, रिलैक्स करें। यह अभ्यास तनाव के लिए काफी लाभदायक है, तनाव को दूर करने में सहायक है। धीरे से अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और एक बार पुनः वज्रासन में बैठ जाएंगे। धीरे से अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, आपके दोनों हाथ की हथेलियां दोनों जगहों पे। अगले अभ्यास में हम प्रवेश करेंगे उत्तान मंडूकासन। एक बार दोबारा से अपने दोनों घुटनों के बीच में दूरी दीजिए, यथा संभव यथा सामर्थ्य। अपने दाएं हाथ को धीरे से शरीर के बराबर से ऊपर उठा, पीछे से नीचे की तरफ रखेंगे। अपने बाएं हाथ को धीरे से शरीर के बराबर से उठाते हुए अपने दाएं कंधे के नीचे रखेंगे, कमर को सीधा रखने का प्रयास करेंगे, आंखें बंद रखेंगे, कुछ समय इस अभ्यास में ठहरेंगे। यह आसन पीठ दर्द और ग्रीवा की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। धीरे से जैसे गए थे वैसे ही वापिस आएंगे। आपका दाया हाथ वापिस धीरे से रिलीज करें, बाया हाथ धीरे से रिलीज करें। दोनों हाथों को अपने दोनों जंघाओं पे रखें वज्रासन में। और यहां से अब हम अपने दोनों पैरों को अनफोल्ड करेंगे। पहले दाएं पैर को अनफोल्ड करें, फिर बाएं पैर को अनफोल्ड करें। दंडासन की स्थिति में आए। बैठकर करने वाले अभ्यासों में अंतिम अभ्यास की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वक्रासन। अब धीरे से अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़ें, अपना बाएं हाथ को धीरे से सांस भरते हुए ऊपर उठाएं, सांस खाली करते हुए अपने बॉडी को पूरा ट्विस्ट करें और अपने बाएं हाथ को अपने दाएं पैर के पंजे के पास लाने का प्रयास करें। यदि आप कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो अपने पंजे को पकड़ेंगे और पीछे की तरफ देखने का प्रयास करेंगे यथासंभव। मेरुदंड की अस्थि में लचीलापन बढ़ाता है, पैंक्रियाज की शक्ति को बढ़ाने में सहायक है। धीरे से वापिस आएंगे जैसे गए थे वैसे ही वापिस आएंगे। दंडासन की स्थिति में रिलीज करेंगे पैर को। इसी अभ्यास का हम काउंटर पोस्चर करेंगे, दूसरी तरफ से इस अभ्यास को दोहराएंगे। बाएं पैर को धीरे से घुटने से मोड़ें, अब अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, बॉडी को ट्विस्ट करते हुए एक्सहेल करते हुए अपने बाएं पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास करें और पीछे की तरफ देखें, देखने का प्रयास करें। कमर को यथासंभव सीधी रखने का प्रयास करें, उस समय रुकें। धीरे से रिलीज करेंगे, धीरे से दंडासन की स्थिति में आएंगे। अपने दोनों हाथ अपने शरीर के बराबर में रिलैक्स करेंगे, थोड़ा अपने दोनों हाथों को थोड़ा पीछे कर लेंगे, गर्दन ऊपर की तरफ, कुछ समय के लिए रिलैक्स करें। वक्रासन के अभ्यास के प्रभाव को अपने कटी प्रदेश में सकारात्मक परिवर्तन को महसूस करें। यह
उधर के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों में प्रवेश करेंगे। धीरे से पेट के बल अपने मैट पर लेट जाएंगे बिल्कुल सहजता के साथ। लेटने की स्थिति मकरासन की स्थिति रहेगी। आपके दोनों पैरों में हल्की सी दूरी, आपके दोनों पंजे बाहर की तरफ, आपकी एड़ी अंदर की तरफ, आपकी बाएं हाथ की हथेली जमीन पर, दायां हाथ उसके ऊपर और आपका माथा आपके दोनों हथेलियों पर। कुछ समय के लिए रिलैक्स करें मकरासन की स्थिति में। यहां से हम अगले अभ्यास की तरफ प्रवेश करेंगे, भुजंगासन। अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, अपने दोनों हाथों को स्लाइड करते हुए अपने दोनों अपने रिब्स के पास लेके जाएंगे, चेस्ट कैविटी के पास में दोनों हथेलियों को। अब यहां से श्वास भरते हुए अपने शरीर के ऊपर वाले हिस्से को ऊपर उठाएंगे और आसमान में देखने का प्रयास करेंगे। नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठाएंगे, पीछे से दोनों पैर मिले हुए। कुछ समय इस अभ्यास में रुकेंगे और धीरे से वापिस आएंगे। एक बार दोबारा से मकरासन में रिलैक्स करें, आपके दोनों पैरों में हल्की दूरी, आपके पंजे बाहर की तरफ, एड़ी अंदर की तरफ, हथेली जमीन पे, दाएं हथेली उसके ऊपर, माथे को हथेलियों पे रखे रिलैक्स करें। तनाव प्रबंधन के लिए आसन सर्वश्रेष्ठ है, पीठ दर्द और श्वास नली से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। यहाँ से हम अगले अभ्यास में प्रवेश करेंगे, सलभासन। धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने दोनों जंघाओं के नीचे लेके जाएंगे, आपकी दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, अपने ठोड़ी को जमीन पे रखेंगे, अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे और यहाँ पे श्वास भरते हुए धीरे से अपने दोनों पैरों को यथा सामर्थ्य, जितना आपका सामर्थ्य है उतना ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। अपने दोनों घुटनों को सीधा रखेंगे, कुछ समय इस अभ्यास में रुकेंगे। साइटिका एवं पीठ के निचले हिस्से में पीड़ा निवारण में सहायता प्रदान करता है, उधर के अंगों को लाभ पहुंचाता है। धीरे से अपने दोनों पैरों को नीचे करें और एक बार दोबारा से मकरासन में रिलैक्स करें। आपके दोनों पैरों में दूरी, पंजे बाहर की तरफ, एड़ी अंदर की तरफ, बाएं हथेली जमीन पे, दाएं उसके ऊपर, माथे को हथेली पे रखते हुए और कुछ समय रिलैक्स करें। पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों के समूह में प्रवेश करेंगे। धीरे से यहाँ से अपनी बॉडी को टर्न करते हुए कमर के बल लेट जाएंगे। धीरे से अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे। अब दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे और अपने नितंब के पास लेके आएंगे। अपने दोनों हाथों की हथेलियों से अपने दोनों पैरों के टखनों को पकड़ेंगे और यहां से श्वास भरते हुए अपने शरीर के बीच के हिस्से को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। कुछ समय इस अभ्यास में रुकेंगे। सेतु बंधासन, सेतु जैसी स्थिति, पुल जैसी स्थिति, कुछ समय इस अभ्यास में रुकेंगे। अवसाद एवं चिंता से मुक्त करता है यह आसन, उधर के अंगों में कसावट लाता है। धीरे से नीचे आएंगे, रिलीज करेंगे दोनों पैरों को। रिलैक्स, दोनों पैरों को अनफोल्ड कर देंगे, रिलैक्स करेंगे सवासन की स्थिति में, दोनों पैरों बराबर में, हथेलियां शरीर के बराबर में। और यहां से हम अगले अभ्यास की तरफ प्रवेश करेंगे, उत्तान पादासन। धीरे से अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे, आपके दोनों हाथ शरीर के बराबर में, आपकी हथेलियां जमीन की तरफ। यहां से श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे, इनहेल करेंगे और कुछ समय इस अभ्यास में रुकेंगे। यह आसन नाभि केंद्र में संतुलन स्थापित करता है। धीरे से अपने दोनों पैरों को नीचे लेके आएंगे, कुछ समय के लिए रिलीज, रिलैक्स करें। और यहां से हम अगले अभ्यास में हम प्रवेश करेंगे, अर्धहलासन। दोबारा से अपने दोनों हाथों को शरीर के बराबर लेके आए, आपकी दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रहें, अपने आपके दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों पैरों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। अब यहां पे यथा सामर्थ्य 90 डिग्री पर उठाने का प्रयास करेंगे, आदर स्थिति में 90 डिग्री पे चले जाएंगे। अपने सामर्थ्य के अनुसार अभ्यास करें और कुछ समय तक इस अभ्यास में रुकें। यह आसन कॉन्स्टिपेशन और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। धीरे से दोनों पैरों को नीचे लेके आए, रिलीज और रिलैक्स करें। यहां से हम अगले अभ्यास में प्रवेश करेंगे, पवन मुक्त आसन। धीरे से
दोबारा से अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने दोनों घुटनों को के नीचे से सपोर्ट दें। एक्सहेल करते हुए सांस को बाहर निकालते हुए अपनी ठोड़ी को दोनों घुटनों के मध्य में लाने का प्रयास करें, यथा सामर्थ्य जितना आप कर सकते हैं। अंतिम स्थिति में कुछ समय के लिए रुकें। वात रोगों से राहत दिलाता है यह आसन, पाचन क्रिया में भी सहायता करता है। धीरे से अपने दोनों पैरों को रिलीज करें और रिलैक्स करें। शवासन की स्थिति में 30 से 40 सेकंड तक रिलैक्स करें। आपके दोनों पैरों में हल्की सी दूरी, आपके दोनों हाथ शरीर के बराबर में, आपकी हथेलियां आसमान की तरफ, आंखें बंद रखें और आंखें बंद करके कुछ समय शवासन में शव स्थिति में रिलैक्स करें। सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है यह आसन, मस्तिष्क तथा शरीर दोनों को आराम प्रदान करता है, पूरे मनोकायिक तंत्र को विश्राम प्रदान करता है। अभ्यास करता बाहरी वातावरण से अलग होकर शांत बना रहता है। बाहर से आने वाली आवाजों के प्रति सजग रहें, अपनी चेतना को अपने शरीर पर बनाए रखें। जहां जहां पर आपने खिंचाव, तनाव या थकान महसूस किया है, अपनी चेतना को उन पार्ट्स में ले जाएं और पूरी तरह अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। और यहाँ से प्रोटोकॉल के अंतिम चरण में हम प्रवेश करेंगे। धीरे से अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे, आपका दायां हाथ सिर के ऊपर लेके जाएंगे, धीरे से दाएं घुटने को मोड़ेंगे और धीरे से एक करवट लेते हुए दोनों हाथों की हथेलियों का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में सुखासन, पद्मासन, वज्रासन। यहां से हम अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे। कपाल भाती प्रैक्टिस। अपने कमर गर्दन को सीधा करके बैठें, अपने दोनों हाथों की हथेली आपके घुटने पे, पहले वाली उंगली का टिप आपके अंगूठे से मिला हुआ, और उसके बाद में हम इसके तीन चक्कर तीन राउंड में ये अभ्यास करेंगे। धीरे से एक्टिव एक्जिलेशन और पेसिव इनहेलेशन, झटके के साथ श्वास को नासिका से बाहर निकालें, आंखें बंद रखें, कमर गर्दन सीधी रखें और 10 राउंड हम कपाल भाती के करेंगे। तीन बार में करके हम यह अभ्यास पूरा करेंगे। 10 स्ट्रोक कपाल भाती को, कपाल को शुद्ध करती है, कपालिकाओं को समाप्त करती है। धीरे से विराम देंगे कुछ समय के लिए। अभ्यास के प्रभाव को महसूस करें। कुछ समय के लिए आप सांसों की रुकी हुई, थमी हुई गति को महसूस करेंगे। कपाल भाती का दूसरा राउंड एक बार दोबारा से 10 स्ट्रोक लगाएंगे। शुरू करेंगे अभ्यास को। एक्टिव एक्जेलेशन, पेसिव इनहेलेशन, दस राउंड होने के बाद में एक बार दोबारा से रिलैक्स करें और एक बार दोबारा से कुछ समय इस अभ्यास के प्रभाव को महसूस करें। सांसों की रुकी हुई, थमी हुई गति, मन की शांति। तीसरा और अंतिम राउंड कपाल भाती का, दोबारा से 10 राउंड स्टार्ट करें। एक्टिव एक्जेलेशन, पेसिव इनहेलेशन, झटके के साथ श्वास को नासिका से बाहर, पेट अंदर, 10 राउंड पूरे करें। धीरे से रिलैक्स करें, अभ्यास के प्रभाव को महसूस करें और यहीं से हम अगले अभ्यास में प्रवेश करेंगे, नाड़ी शुद्धि अभ्यास। धीरे से अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, अपने पहले वाली दो उंगलियां अंगूठे के मूल में, धीरे से दाएं अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करें, बाईं नासिका से लंबा गहरा श्वास भरेंगे, फिर बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका से धीरे से श्वास को निकाल देंगे, दाईं नासिका से दोबारा लंबा गहरा श्वास भरेंगे और धीरे से बाईं नासिका से निकाल देंगे। ये हमने एक राउंड किया, दो राउंड और इसी अभ्यास का दोहराएंगे। दो राउंड होने के बाद में धीरे से रिलीज करें, कुछ समय रिलैक्स करें और यहीं से हम अगले अभ्यास में प्रवेश करेंगे, शीतली। धीरे से अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे, जीभ को बाहर निकालें, लंबा गहरा श्वास भरेंगे जीभ को बाहर निकालते हुए, उसके बाद में जीभ को अंदर करें, मुंह बंद करें और धीरे से नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है,
एक दूसरा राउंड इसी अभ्यास का, धीरे से जीभ को बाहर निकालें, लंबा गहरा श्वास भरें, मुंह को बंद करें, कुछ समय रोक के रखें और श्वास को धीरे से नासिका से बाहर निकाल दें। रिलैक्स करें कुछ समय, अभ्यास को विराम दें, आंखें बंद रखें। यहीं से हम अगले अभ्यास में प्रवेश करेंगे, भ्रामरी। अपने धीरे से अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, सन्मुखी मुद्रा में अपने दोनों आंखों को सहजता के साथ में बंद करें। अपनी उंगलियों की स्थिति को अपने चेहरे पे रखें, अंगूठे से कान का ढक्कन बंद, लंबा गहरा श्वास भर के हम 3 बार भ्रामरी का जप करेंगे। श्वास भरेंगे, लंबा श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए भ्रामरी का गुंजन करें। धीरे से रिलीज करें अपने दोनों हाथों को। मन ही मन आंखें बंद करके संकल्प लें कि हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूं। दोनों हाथों को धीरे से नमस्कार मुद्रा में जोड़ें, पीछे पीछे शांति मंत्र को दोहराएं। सबके मंगल की कामना करेंगे इस विश्व में। योगा फॉर ह्यूमैनिटी की ये थीम, पूरी मानवता के कल्याण की हम प्रार्थना करेंगे। पीछे पीछे शांति मंत्र को दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अपने दोनों हाथों की हथेलियों का घर्षण करें। जो शक्ति, जो ऊर्जा आपने योग शस्त्र के माध्यम से आपने प्राप्त की है, उसको अपने चेहरे की मांसपेशियों पे अवशोषित होने दें, अपने शरीर पे अवशोषित होने दें और धीरे से पलक झपकाते हुए धरती माता को, भारत माता को प्रणाम करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलें। हरिओम, नमस्ते। सभी को पुनः अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आगे का संचालन रख दीजिए। बहुत ही खूबसूरत अभ्यास की अगुवाई के लिए हमारे तीनों छात्रों का धन्यवाद, एवं डॉक्टर अजयपाल जी का भी धन्यवाद संपूर्ण मार्गदर्शन के लिए। हमें यकीन है सर कि आपके मार्गदर्शन में आपके विद्यार्थी बहुत ही बुलंद ऊंचाइयों को छुएंगे। और अब वक्त आ चुका है माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिए जाने वाले उद्बोधन को सुनने के लिए। यह उद्बोधन सीधा ऑनलाइन प्रसारित किया जा रहा है और हमें टेक्निकल टीम से आग्रह करूंगी कि आगे की कार्यवाही करें। इससे पहले कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम शुरू हो, मैं प्रोफेसर आनंद शर्मा जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। प्रोफेसर आनंद शर्मा जी, इन सबको देख के अत्यंत हर्ष हो रहा है। और अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सबको, हम सबको उद्बोधन करेंगे। और जैसा हमें मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा ड्रीम है, सपना है, सपना था जिसको उन्होंने साकार किया। लेकिन अब वो साकार तब होगा जब ये योग हमारे घर घर तक जाएगा। और आज योग दिवस पे कई हम सब लोग बातचीत कर रहे थे कि आज 21 तारीख तक हो जाएगा ये योगा मैट और ये रिक्वायरमेंट और ये सब।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आज 21 तारीख से शुरू होना चाहिए योग, चाहे वो इस प्रांगण में हो, चाहे वो हॉस्टल में हो, चाहे वो हमारे घरों में हो और चाहे वो हमारे एकेडमिक ब्लॉक्स में हो, योग आज से शुरू होना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ऐसी हम आशा करते हैं। तो जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन शुरू होता है, हम 2 मिनट का समय लेंगे और अपनी आंखें हैं उनको बंद करेंगे सहजता के साथ, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, संकल्प से सिद्धि, तो जो आज हमने योगा किया है, आज हमने जो योग की विभिन्न क्रियाएं की है, वो हमारे जीवन में सार्थक कब होगी? जब हमारा तन और मन और आत्मा तीनों एकाकार होंगे, और इसके लिए जरूरी है कि हम प्रतिदिन सुबह और रात्रि को सोने से पहले और सुबह सुबह जब उठते हैं तब 5 मिनट के लिए कुछ उठते हैं तब 5 मिनट के लिए कुछ हम अफर्मेशंस करें। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी आंखें मूंद कर जो मैं स्टेटमेंट्स बोल रहा हूं उनको मन ही मन दोहराएंगे और संकल्प करेंगे, और जब हम संकल्प करते हैं स्थिर मन से, जैसे हमने योगा और प्राणायाम किया है, उसके बाद हमारा मन और आत्मा जो है वो स्थिर होते हैं, ऐसा हमें महसूस होना चाहिए। आनंद की अनुभूति जो हमें सभी को हो रही है वो महसूस हो रही है, उस समय जो हम संकल्प करेंगे वो संकल्प सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। तो हमारा पहला संकल्प है शांत चित आत्मा हूं। अपने मन में दोहराएं, मैं एक शांत चित आत्मा हूं। आई एम ए पीसफुल सोल। और इसको अनुभव करें अपने पूरे मन में, तन में, और आपका मन महसूस कर रहा है उस पीस को, आनंद को, और आप महसूस कर रहे हैं कि आप आनंद की स्थिति में हैं। मैं एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत आत्मा हूं। किसी तरह का डर, किसी तरह का भय, किसी तरह का फिक्र, किसी तरह की चिंता मुझमें नहीं है, और मैं चूंकि अपने शरीर से भिन्न हूं, तो जो चिंताएं, दुख, भय है वो इस शरीर से रिलेटेड हैं, इस फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड हैं, लेकिन मैं आत्मा इससे भिन्न हूं, इसलिए मुझे किसी तरह का कोई दुख, भय, चिंता, परेशानी महसूस नहीं हो सकती, ऐसा महसूस करें। मैं एक स्वस्थ शरीर हूं। जो मेरा शरीर है वो स्वस्थ है, ऐसा महसूस करें, क्योंकि संकल्प से सिद्धि तक, और संकल्प भी उस समय जिस समय नीरज जी बता रहे थे कि योग की जो पराकाष्ठा की समय होता है, उस समय हमारा जो ब्रीदिंग है वो हमारे कंट्रोल में होती है, हमारा मन नियंत्रण में होता है और एक आत्मिक शांति होती है, उस समय जो भी संकल्प करेंगे वो निश्चित ही सिद्ध होता है। मैं एक स्वस्थ शरीर हूं, ऐसा मन में अनुभव करें, महसूस करें।
योग में शरीर को हिलाने डुलाने के साथ मन को केंद्रित करना, जैसा आप चाहते हैं उस तरफ मन को ले जाना, जैसा आप संकल्प चाहते हैं उस तरफ ले जाना जरूरी है। तो हम ऐसा महसूस करें कि मैं एक स्वस्थ शरीर हूं। अगला अफर्मेशन, मेरी जो रिलेशनशिप है घर में, परिवार में, ऑफिस में, पड़ोस में, क्षेत्र में, दुनिया में, बिजनेस में, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत हेल्दी है। मेरे जो रिलेशनशिप हैं घर पे, परिवार में, पड़ोस में, क्षेत्र में, ऑफिस में, बिजनेस में, बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे रिलेशन हैं। अगला अफर्मेशन, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, इसलिए मुझ में वो सारी क्वालिटीज हैं जो परमात्मा में है। जो फर्क है वो सिर्फ इसका है कि एक इल्यूजन है, उस इल्यूजन को मैं हटाने में सक्षम हूं और मैं डायरेक्टली, मेरी जो सोल है वो परमात्मा के साथ मिलती है, साक्षात्कार करती है और वो सारी खूबियां जो परमात्मा में है वो मुझ में है। जो दिव्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, गीता में दिखाते हैं, वो अनुभव मैं कर रहा हूं और मैं डायरेक्टली ईश्वर से मिल रहा हूं, इसलिए मुझ पर ईश्वर की कृपा हर समय बनी हुई है। ऐसा भाव रखें, ऐसा भाव रखने का तात्पर्य यह है कि मुझ में शंकाएं, डर, भय वो नहीं रहेगा और हम ऐसा महसूस करेंगे कि मैं प्रोटेक्टेड हूं। आई एम प्रोटेक्टेड बाय गॉड्स ब्लेसिंग, आई एम प्रोटेक्टेड बाय गॉड्स ब्लेसिंग। मुझ पर परम पिता की असीम अनुकंपा है, चारों तरफ एक उनके ब्लेसिंग्स का घेरा है, मुझे कहीं जाने में, कोई कार्य करने में, सही कार्य करने में कोई डर, भय, संकोच नहीं है। दुनिया क्या सोचेगी, कौन क्या कहेगा, वो बहुत छोटी बातें हैं मेरे लिए। तो मैं ये समझता हूं कि ईश्वर की कृपा मुझ पर हर समय बनी हुई है और अगला संकल्प, मुझ पर किसी तरह का स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी, प्रेशर वो नहीं है। सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी, श्री युद्धवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार जी, राजमाता प्रभादा देवी, मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, देश और विश्व भर के सभी लोगों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज योग दिवस के अवसर पर मैं कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी, अध्यात्म और योग की धरती
मैसूर को प्रणाम करता हूं। मैसूर जैसे भारत आत्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आयोग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक सहज स्वाभाविक और साझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं, खासतौर पर तब जब दुनिया ने बीते दो सालों में सदी की इतनी बड़ी बात सामना किया हो। इन परिस्थितियों में देश द्वीप महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का यह उत्साह, यह हमारी जीवंतता का भी प्रमाण है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी, सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। साथियों, योग के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगिन विंदति। इट मीन्स योगा ब्रिंग पीस फॉर अस। द पीस फ्रॉम योगा इज नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल्स, योगा ब्रिंग्स पीस टू अवर सोसाइटी, योगा ब्रिंग पीस टू अवर नेशंस एंड द वर्ल्ड, एंड योगा ब्रिंग्स पीस टू अवर यूनिवर्स। This might feel an extreme thought to someone, but our Indian sages have answered this with a simple mantra: Yat Pinde Tat Brahmande. This whole universe starts from our own body and soul. The universe starts from us, and yoga makes us conscious of everything within us and builds a sense of awareness. It starts with self-awareness and proceeds to awareness of the world. When we become aware of ourselves and our world, we begin to spot things that need to be changed, both in ourselves and in the world. These may be individual lifestyle problems or global challenges like climate change and international conflict. Yoga makes us conscious, competent, and compassionate towards these challenges. Billions of people with a common consciousness and consensus, millions of people with inner peace will create an environment of global peace. That's how yoga can connect the people. That's how yoga can connect the countries. How yoga can become a problem solver
फॉर ऑल ऑफ अस। साथियों, भारत में हम इस बार योगा दिवस हम एक ऐसे समय पर मना रहे हैं जब देश अपनी अर्ज का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। योग दिवस की ये व्यापकता, ये स्वीकार्यता भारत की उस अमृत भावना की स्वीकार्यता है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी थी। इसी भावना को सेलिब्रेट करने के लिए आज देश के 75 अलग अलग शहरों के 75 ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही अन्य नगरों के लोग भी ऐतिहासिक स्थानों पर योग कर रहे हैं। जो ऐतिहासिक स्थान भारत के इतिहास के साक्षी रहे, जो स्थान सांस्कृतिक ऊर्जा के केंद्र है, वो आज योग दिवस के जरिए एक साथ जुड़ रहे हैं। इस मैसूरु पैलेस का भी इतिहास में अपना विशेष स्थान है। भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग का अनुभव भारत के अतीत को, भारत की विविधता को और भारत के विस्तार को एक सूत्र में पिरोने जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने इस बार गार्डियन रिंग ऑफ योगा, ये गार्डियन रिंग ऑफ योगा का ऐसा ही अभिनव प्रयोग आज पूरे विश्व में हो रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ, सूर्य की गति के साथ लोग योग कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा है, उदय हो रहा है, उसकी प्रथम किरण के साथ अलग अलग देशों में लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी के चारों ओर योग की रिंग बन रही है। यही है गार्डियन रिंग ऑफ योगा। योग के ये प्रयोग स्वास्थ्य, संतुलन और सहयोग की अद्भुत प्रेरणा दे रहे हैं। साथियों, दुनिया के लोगों के लिए योग आज हम पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, प्लीज रिमाइंड, ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि योग अ वे ऑफ लाइफ बन रहा है। हमारा शुरू हो, इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है। लेकिन हमें योग को किसी एक खास समय और स्थान तक ही सीमित नहीं रखना है। हमने देखा भी है, हमारे यहां घर के बड़े, हमारे योग साधक दिन के अलग अलग समय में प्राणायाम करते हैं। कई लोग अपने ऑफिस में भी काम के बीच में कुछ देर दंडासन करते हैं, फिर दोबारा काम शुरू करते हैं। हम कितने पूर्ण माहौल में क्यों ना हो, कुछ मिनट का ध्यान हमें रिलैक्स कर देता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसलिए हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है, हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है, हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना भी है, और हमें योग को पनपाना भी है। और जब हम योग को जीने लेंगे, योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख और शांति को सेलिब्रेट करने का माध्यम बन जाएगा। साथियों, आज समय है कि हम योग से जुड़ी अनंत संभावनाओं को साकार करें। आज हमारे युवा बड़ी संख्या में
योग के क्षेत्र में नए नए आइडियाज के साथ आ रहे हैं। इस दिशा में हमारे देश में आयुष मंत्रालय ने स्टार्टअप योगा चैलेंज भी लॉन्च किया है। योग के अतीत को, योग की यात्रा को और योग से जुड़ी संभावनाओं के लिए मैसूरू के दशहरा ग्राउंड में इनोवेटिव डिजिटल एग्जीबिशन भी लगी है। मैं देश के और दुनिया के सभी युवाओं में से इस तरह के प्रयासों से जुड़ने का आह्वान करता हूं। मैं वर्ष 2021 के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा के जो विनर्स हैं, मैं उन सभी विनर्स को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है योग की ये अनादि यात्रा अनंत भविष्य की दिशा में ऐसे ही अनवरत चलती रहेगी। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतो निरामय के भाव के साथ स्वस्थ और शांतिपूर्ण विश्व को योग के माध्यम से भी गति देंगे। इसी भाव के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा कि योग पार्ट ऑफ लाइफ नहीं आर्ट ऑफ लाइफ है, और इसी विचार को लेकर हम स्वयं को नहीं अपने सभी को भी योग से जोड़ने का प्रयास करेंगे। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने बताया था कि वो ही परिवार है को चरितार्थ किया है, और केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा भी इसी विचार को आगे लेकर हमारे दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता माननीय प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। योग एवं सकारात्मकों की यह सकारात्मकता का ही यह नतीजा है कि आज सब हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ और सब एक ही हैं, हम सब एक हैं। चेहरे से सौम्य एवं सरल दिखने वाले हमारे कुलपति महोदय हृदय से भी उतने ही उदार हैं। विद्यार्थी हो या हो कोई कक्षा, यह कोशिश रहती है कि उन्हें आगे बढ़ने के सभी अवसर प्रदान किए जाएं। लाइफ है वही नहीं है, अपना जो ऑफिस का काम है वही नहीं है, यदि हम उसको करना चाहते हैं तो भी हमें योग से जुड़ना पड़ेगा। जिसे लिखते हैं कि ये एक पूरा हारमोनी के लिए मुझे लगता है कि काफी लोग इस बात को प्रूव करते होंगे, कोई ना कोई योगासन जरूर करते होंगे। सभी को सभी जगह पर आपको ऑक्सीजन मिलती है और आपको लगता है कि यस मैं आपकी अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने जो जहाँ पर मुझे जहाँ पर भी मुझे उसके बारे में मैं सोच सकता हूँ, उसके वहां पर मैं उसके परिवर्तन ला सकता हूँ। अपनी जो बॉडी की जो बॉडी की जो अंदर की हवा और पानी जो है बहुत महत्वपूर्ण है जिंदगी के लिए, और मुझे लगता है कि योग से बेहतर जो है इससे कुछ नहीं जो आपको ये सारी चीजें प्रदान कर सकता है। हम देखते हैं ना, मैं जब बहुत अधिक और बहुत दिनों तक काम करते हैं तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी जीवन शैली को किसी न किसी रूप में, चाहे योगा हो चाहे व्यायाम हो चाहे एक्सरसाइज जो आप करते हैं, तो इससे मुझे लगता है कि हम सभी लोग मानसिक रूप से भी और शरीर रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय। इंडिया में बहुत ध्यान से इस वर्ड को रखा गया है योगा को, जिसका बेसिकली मतलब यही है कि हम फोकस करते हैं एक्सरसाइज करते हुए कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है वो इंटरैक्ट करती है आपकी कॉन्शियसनेस के साथ, वहां पे हमारा फोकस होता है। तो योगा इसलिए डिफरेंट है फ्रॉम ऑल अदर फिजिकल एक्सरसाइजेस या जो हम
एक्रोबैटिक एटिक एक्सरसाइजेस करते हैं और जो दूसरे एक्सरसाइजेस हम करते हैं, तो योगा में हम फोकस करते हैं कि आपकी आप जो भी आसन कर रहे हैं आपके जो फिजिकल बॉडी है वो कॉन्शियसनेस के आपके साथ कितना इंटरेक्ट करता है। इससे क्या होता है कि जितना ज्यादा हम फोकस करते हैं इन दोनों चीजों पे और उन दोनों में इंटरेक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं, उतना ही हमारी एबिलिटी बढ़ती चली जाती है वाइज डिसीजन लेने की। तो ये कुछ इस तरह से है कि हम ये एग्जांपल बहुत बार लेते हैं कि अगर आप एक बर्तन ले लें और उसमें एक कॉइन डाल दें पानी से भरा हुआ हो, तो पहले तो आपको वो कॉइन दिखता है अच्छी तरह से, लेकिन जैसे ही आप उसको हिलाना शुरू कर देते हैं या बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में, कॉइन जो है बिल्कुल अच्छा उसका शेप नहीं दिखता, बहुत धुंधला सा दिखने लगता है उसका शेप और आप पता नहीं कर सकते कि उसका शेप एक्चुअल क्या है। तो वो एक धुंधला सा जो शुरू हो जाता है आपके दिमाग में, बहुत सारे जब विचार आते हैं और धीरे धीरे जब आप उस बर्तन को छोड़ देते हैं और वो शांत होने लगता है, पानी बिल्कुल शांत हो जाता है, तो आपको वो कॉइन बहुत अच्छे, तो यही एक आप बहुत अच्छा सिनोनिम सा ले सकते हैं, एक एनालॉजी से ले सकते हैं कि हम अगर योगा करते हैं और अपनी कॉन्शियसनेस को अपने आसन के साथ जोड़ते हैं तो हमारे जो विचार जो नहीं आने चाहिए दिमाग में और जो जहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए वो चीज हम कर पाते हैं और ये हमारी क्रिएटिविटी नजर आती है, हम डिसीजन डिसीजन ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चीज समझने वाली है योगा में। और दूसरी बात ये है कि जो मेडिटेशन जो हम करते हैं, मेडिटेशन भी योगा का पार्ट ही है, जिसमें हम अपने किसी एक चीज पे फोकस करते हैं और बहुत सारी चीजें हमें इसमें बहुत सारा चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन मेडिटेशन में भी इसी तरह होता है जो साइंटिस्ट जो प्रूव करना चाहते हैं आजकल, उन्होंने इस पर काम शुरू किया हुआ है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो कैसे हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां पे हम अपने विचारों की रीवायरिंग कर सकते हैं, एक्चुअल रीवायरिंग कर सकते हैं, जो ऑफ द सिनेप्सिस मतलब जो न्यूरॉन की पाथ होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल पाथ होता है, उसको हम एक्चुअल कर सकते हैं अपने अपने फायदे के लिए, अपने विचारों को एक प्रॉपर फॉर्म देने के लिए और उसमें से सकारात्मक चीज़ों को ढूंढने के लिए। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से हमें समझनी चाहिए और हमें गर्व है कि हम इस इंडिया में पैदा हुए हैं जहाँ पे योगा को इतना ज़्यादा मान सम्मान मिलता है। और एक और बात जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर हम शव आसन शायद सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो कर पाते हैं उन्होंने महसूस किया होगा, एटलीस्ट मैं जानती हूँ कि शव आसन मैं काफ़ी अच्छी तरह से कर पाती हूँ, तो हम उसमें महसूस करते हैं कि जहाँ भी स्ट्रेस है बॉडी में अगर आप फोकस करें तो उस स्ट्रेस को आप धीरे धीरे रिलीज कर सकते हैं और इतना शांत हो जाता है वो एरिया आपका कि आपको एक बहुत सुखद सा अनुभव होता है। तो शव आसन जैसा उस एक्सपीरियंस है वो अगर हर एक कोई कर ले तो कनेक्ट बिटवीन द आसन द फोकस एंड द पीसफुलनेस विच यू गेट विद इट, तो वो हमें बहुत अच्छी तरह से दूर तक ले जा सकता है और जीवन में हर स्टेज पे आपको गाइड कर सकता है और आपको थैंक यू आनंद जी, परम आदरणीय प्रोफेसर टंकेश कुमार जी, कुलपति हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, प्रोफेसर सुनीता श्रीवास्तव, प्रोफेसर सुनील, प्रोफेसर राजीव, प्रोफेसर सारिका शर्मा और बाकी मेरे साथी जो शिक्षण और प्रशासनिक अधिकारी जो जुड़े हुए हैं इसमें, विद्यार्थी जो रुके हुए हैं स्पेशल योगा के लिए जिनकी हो गई है पेपर ओवर हो गया है, और बाकी साथी जो गांव से आए हैं सिर्फ टीशर्ट के लिए नहीं आए, मैं ये मानता हूँ वो कुछ सीखने के लिए आए होंगे और जरूर आपने कुछ सीखा होगा
और जो मेरे साथी खड़े हुए हैं उनसे अनुरोध, और जो झूले पे बैठे हुए हैं उनसे भी अनुरोध कि बच्चों का झूला है, बड़ों के लिए नहीं है, तो वो भी अपना स्थान ले लें। सभी से विनम्र प्रार्थना, और जो खड़े हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, ज्यादा समय नहीं लेंगे, सिर्फ 10 मिनट में आपको फ्री कर रहे हैं। जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी यूनिवर्सिटी की जान शान और पहचान, हमारे परम आदरणीय ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर टंकेश कुमार जी, अभी आपने प्रोफेसर सुनीता श्रीवास्तव मैडम को सुना, योग करता क्या है, क्यों करें योग, क्या फायदा योग से, क्या हम जीवन में शांति पा सकते हैं इस योग से। 2 दिन पहले मेरे को आमंत्रित किया गया था, जो 5 दिवसीय इनका योगा प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था। आनंद जी ने रात को 11 बजे मैसेज किया कि सुबह आपको मुख्य अतिथि है, जैसे आप सभी को भी किया होगा कि आज आपने योगा में आना है और टी शर्ट मिलेंगी। जिनको नहीं मिल पाए उनको धन्यवाद, उनको सॉरी। लेकिन मेरा ये पर्सनल अनुभव है, पर्सनल अनुभव से अपना बता रहा हूँ आपको कि योगा को सिर्फ हम योगिक एक्सरसाइज तक ना डिलिमिट करें, उसको वहां तक ना सीमित करें। वी हैव टू एक्सटेंड दैट टू अवर पार्ट ऑफ लाइफ एज अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल वाइस चांसलर सेड, हाउ यू कैन अचीव दिस, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू प्रैक्टिसाइज दिस योगा प्रैक्टिस सो दैट यू कैन कंसंट्रेट, वे आप अपने मन चित्त और बुद्धि को शांत रख पाए। उस दिन भी मैं एक बात कह रहा था कि हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हम बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहे? क्योंकि हमें करनी और कथनी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर उसको आप रिमूव कर दें तो यू विल सी द डिफरेंस इन योर सेल्फ, यू विल सी द डिफरेंस इन द सोसाइटी। हम आते हैं कि हमें कुछ मिलेगा, वो मिलने वाली इच्छा खत्म हो जाएगी तभी आप आध्यात्मिक से जुड़ पाएंगे। योगा की जो प्राइमरी स्टेज है वो है ठीक, आपको मन चित्त को शांत करता है, लेकिन शांत होने के बाद अगला स्टेप क्या है, हाउ टू कनेक्ट विद द गॉड। हमारे आनंद जी कह रहे थे जब प्राइम मिनिस्टर नहीं जुड़े थे, कैसे चित्त को शांत करें, हम उस परमात्मा का अंश है, लेकिन अंश कैसे, हमने फील ही नहीं किया है कभी वो चीजें, हमने अपने अंदर झांके नहीं देखा, हमारी तो उंगली बाहर की तरफ रहती है, इसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। यू नेवर सी योरसेल्फ कि व्हाट आर द एरर्स इन योर इनसाइट। रावण भी हमारे अंदर है, राम भी हमारे अंदर है, आप रावण को नहीं ढूंढ रहे, बाहर जलाने जा रहे हैं, अपने अंदर के रावण को नहीं जलाते। तो मेरा इस योगा दिवस पे यही सभी से प्रार्थना कि अपने अंदर भी थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करके देखें कि क्या क्या बुराइयां है और कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सभी लोग देखेंगे, सभी लोग अपना प्रयास करेंगे तो यूनिवर्सिटी कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। एक आदमी के प्रयास से कुछ नहीं होगा, सभी को साथ मिलके चलना होगा, तभी हम उसको अचीव कर पाएंगे उस गोल को, और तभी हम मानवता की सेवा कर पाएंगे, जो इस इंटरनेशनल योगा डे का थीम है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। कैसे मानवता की सेवा करें, तो अपने आप सभी से मेरी प्रार्थना, जो भी आए इस योगा दिवस पे गांव, जो हमारे अरोपित विलेजेज है वहां से भी कुछ बच्चे आए हैं और अपने कम्युनिटी वाले लोग आए हैं, उन सभी से प्रार्थना कि आप हमसे कंधे से कंधे मिला के चलिए, डेफिनेटली वी विल अचीव द गोल कि हमें इस सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, इस सोसाइटी को कैसे हम आगे लेके जाएं। इसी शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष तौर से जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया है, हमारे साथी प्रोफेसर आनंद जी, DSW टीम, RWA प्रोफेसर रश्मि तंवर, डॉक्टर रश्मि तंवर मैडम, और बाकी सभी लोग जिन्होंने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मौर्या जी का भी धन्यवाद, वो विशेष तौर से इस आयोजन कमेटी के अध्यक्ष हैं और वो भी दिन रात कर रहे हैं, नैक के काम के साथ साथ आनंद जी उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें अपना योगदान दिया, धन्यवाद। नमस्कार, पुनः सभी को अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस सत्र के लिए बैठे सभी विद्वजन, कुलपति द्वय, सभी को
प्रणाम करता हूं। और जैसा कि अभी बताया गया कि आज की जो थीम है जिस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं योगा फॉर यूनिटी, तो मैं आज के वक्तव्य की शुरुआत करता हूं पंडित श्याम शर्मा आचार्य के उस कथन से जिसमें उन्होंने कहा है कि मनुष्य का जीवन सहज है लेकिन मनुष्यता कठिन प्रयत्न से प्राप्त करनी पड़ती है। आचार्य शंकर विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं कि दुनिया में तीन चीजें दुर्लभ है, मनुष्यता, मोक्ष की इच्छा और महापुरुषों का साथ। मनुष्यता जैसा कि हमने बताया कि कठिन प्रयत्न से प्राप्त करनी पड़ती है और योग वो उपकरण है जिससे मनुष्यता का विकास सहजता के साथ किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यही संदेश देने के लिए 2015 से लगातार मनाया जा रहा है ताकि हम विश्व में जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है उसको साकार कर सके, आत्म सर्वभूतेश की भावना को साकार कर सके और भारत जो विश्व को दे सकता है वो यही है कि हम अपने ज्ञान का विस्तार करते चले, क्योंकि भारत का अर्थ है जिसने सदैव प्रकाश के लिए काम किया है, ज्ञान के लिए काम किया है और हम उस ज्ञान को मानवता के लिए उपयोग करें। यही आज का संदेश हमारी तरफ से संपूर्ण विश्वविद्यालय के सभी हितधारकों के लिए और सभी के लिए है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय कुलपति को नमस्कार करते हुए मैं पूरे मंच को और अपने सभी साथियों को नमस्कार करता हूं और अपनी बात जैसे समय की कमी के कारण बहुत छोटे शब्दों में कहूंगा। सबसे पहले हो सकता है हमें सभी को तो ज्ञात होगा लेकिन बच्चों को ये नहीं मालूम होगा कि ये योगा डे 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है। तो मैं उन सभी छोटे बच्चे जो गांव से आए हैं उनको ये बताना चाहूंगा कि 2014 में जो नेशंस ने इसको एक्सेप्ट किया था तो जो है भारत ने इसको रखा था कि 21 जून, क्योंकि 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है और इस दिन सूर्य भगवान अपनी स्थिति को बदलते हैं, इसलिए इस दिन को जो है रखा गया कि ये योगा दिवस 21 जून को मनाया जाए। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं ये पूरे विश्व को भारत की तरफ से एक गिफ्ट है। ये गिफ्ट है अपने आप को ठीक रखने की, अपने सेल्फ डेवलपमेंट की, अपने वेलबींग के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि हमें योगा क्यों करना चाहिए, सभी लोग बता रहे हैं बार बार। और उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम 2 साल के बाद आज 2022 में फिजिकल योगा दिवस आज हमने मनाया है। 2 साल जो है हमने सभी ने उन पैंडेमिक को झेला है और वो पैंडेमिक के दौरान हमने पाया कि जिन्होंने योगा अपना प्रैक्टिस में लाया हुआ था उनको जो है कोरोना भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, पैंडेमिक भी कुछ उनका नुकसान नहीं कर सकते हुए इसकी हम जो है इम्पोर्टेंस है और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये हमें एक तरह से जो है मोटिवेशन भी मिलता है कि हमें इस योगा को अपने जीवन में दिन प्रतिदिन जो है शामिल करना चाहिए। और उससे बड़ी बात यह है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो पूरा चेंज हो रहा है और हम तो ऐसे प्रोफेशन में है ज्यादातर ऑफिस में बैठे रहते हैं, उसके कारण से जो है हमारा एनवायरमेंट भी चेंज हो रहा है, लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है। अगर हम योगा से अपने जो है शरीर के अंदर भिन्न भिन्न क्रियाओं से अपने ऑक्सीजन का प्रवाह कर सकते हैं तो उससे हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा मन जो है स्वस्थ रहेगा, हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा और कंसंट्रेशन लेवल बढ़ने से हमारी डिसीजन मेकिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। तो इसके साथ मेरे सभी आग्रह है कि हम अपने योगा को अपने जीवन में उतारें। कोई समय निर्धारित कर सकते हैं, सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, किसी को सुबह समय नहीं मिलता है तो शाम को अपना योगा रख सकते हैं। यही मेरा इसके साथ ही अपनी बात को खत्म करता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको बधाइयां इंटरनेशनल योगा डे की। जैसे कि मैं न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से हूँ, हम लोग इस सब साथ हमें अपने आहार का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ये कहें कि सुबह मैंने योगा कर लिया, बच्चों की बात करें, बड़ों की बात करें या किसी भी उम्र के व्यक्तियों की बात करें, अगर हमने सुबह योगा कर ली, एक्सरसाइज कर ली और पूरे दिन में अगर हम ये लिस्ट बनाएं उसमें हम ये देखें कि हमने क्या खाया है, तो वो हमें उस चीजों को कैलकुलेट करना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है।
दूसरी चीज, आजकल न्यूट्रिशन ट्रांजिशन बहुत देखने को मिल रहा है, बच्चों में ही नहीं, इवन जो बड़े लोग हैं दे आर ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स द जंक फूड और दे आर प्रेफरिंग रेडी टू ईट फूड्स. सो उसमें जो रेडी टू ईट फूड्स हैं उसमें भी हमें सोचना, बिकॉज उसमें प्रिजर्वेटिव में जो हमारे लोकल फूड रिसोर्सेज हैं, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो यहाँ पे जो लोकल फूड क्रॉप्स होती हैं जैसे बाजरा है, आपका जैसे कचरी है, अगर हम कचरी की बात करें तो उसको भी हमें रूटीन में यूज करना चाहिए बिकॉज उसमें गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन है. उसके साथ साथ हमें जो अन्य फूड जो लोकल रिसोर्सेज हैं वो हमें अपनी प्रैक्टिस में लाने चाहिए, तभी हमारी दोनों जो है वो मैनेज होंगी. सो कंटिन्यू करें अपनी योगा सेशन और इसके साथ साथ अपने आहार का भी उतना ही ध्यान रखें. थैंक यू. सभी से अनुरोध कि कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें. हल्की हल्की बूंदे फुहार आ रही है, ये बड़ी अच्छी बात है और हम योगा करके हैं तो इससे हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा. कृपया अपना स्थान बनाए रखें. सभी को नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई. जैसा कि सर ने कहा, अभी अभी योगा करके हम सब बहुत ही मजबूत हो गए हैं. योग जो है आपको मजबूती सिर्फ शारीरिक नहीं देता, मानसिक मजबूती के लिए योग करना अति आवश्यक है. आप जब भी कहीं किसी भी जगह पे सेवा करने जाएंगे, सेवा से मेरा तात्पर्य है चाहे एज अ शिक्षक मुझे अपने स्टूडेंट्स के साथ. Yeah.